बांके बिहारी जी के दर्शन किए, ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि 2019 सभी के लिए सुखी लाए, प्रसन्नता लाए, सब स्वस्थ रहें, और ऐसी प्रभु से कामना की। और 2019 में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने, ऐसा भी प्रभु से प्रार्थना किया। लोकसभा चुनाव की साल है, क्या रणनीति है भाजपा? देखिए, जैसा कि है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, उनका काम वह जनमानस के दिमाग में है। एक तरफ गठबंधन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण इकट्ठा हो रहा है, और दूसरी तरफ उनका काम जो जनता इसकी तारीफ कर रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं जिस प्रकार से लागू हुई है, भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से पूरे विश्व भर के पटल पे बढ़ा है, और 5 साल के अंदर ही हर क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुए हैं, जनता हमारे साथ है, जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है। इस बार का चुनाव जनता और गठबंधन के बीच में होगा, जनता मोदी जी के साथ है, और गठबंधन जो डर के मारे एक हो रहा है आपस में, वो गठबंधन नहीं चल पाएगा, जनता उनके साथ नहीं रहेगी। वो गठबंधन एक तरीके से महागठबंधन है, ठग महागठबंधन है। 2019 के पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर अध्यादेश तभी लाया जाएगा जब कोर्ट में कुछ हो। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि जो विधि संगत होगा, जो संविधान संगत होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके अनुरूप काम करेगी। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि भगवान प्रभु राम का शीघ्र मंदिर बने, हमारे आस्था के केंद्र है, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र है, इसे प्रभु राम का शीघ्र मंदिर बनेगा और बनना ही चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोदी जी कहा है कि सरकार अपने बारे राम मंदिर मुद्दे पर सीधे सीधे जवाब उनका। देखिए, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन इतना जरूर है कि सभी चाहते हैं कि प्रभु राम का मंदिर शीघ्र बने, और कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, अभी इसी हफ्ते शुरू हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट भी त्वरित निर्णय देगा और प्रभु राम का मंदिर शीघ्र बनेगा। एमपी में बसपा आंखें दिखाने लगी है, SC ST के जो मुकदमे दायर हुए थे उनको वापस लेने के लिए धमकी दी। देखिए, ये तो अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन है, एक दूसरे को ऐसा समर्थन दे रहे हैं, डर के मारे समर्थन दे रहे हैं। ऐसे गठबंधन कभी लंबे चलते नहीं है, ऐसे सपोर्ट भी लंबा चलता नहीं है, और इसलिए इस प्रकार के गठबंधन जो देश भर की बात हो रही है वो चलने वाला नहीं है। समय आने दीजिए, धीरे धीरे सभी गठबंधन अलग अलग थलग हो जाएंगे, और अंत में चुनाव जो होगा जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को ही समर्थन दे करके पहले से अधिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, सभी गठबंधन जो NDA के हमारे साथ हैं, थोड़ा बहुत उनके मन में कुछ रहती है बात, तो उस बैठ करके उन बातों को दूर किया जा सकता है। जैसे आपने देखा, रामविलास पासवान जी के साथ गठबंधन की बातें हो चुकी, सीटों का समझौता भी हो चुका, ऐसे सभी गठबंधन के साथी हमारे साथ रहेंगे। 3 तलाक के राज्यसभा में कितनी उम्मीद? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को न्याय, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है, जिसको हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को न्याय, सुरक्षा, सम्मान देना चाहते हैं। लोकसभा में यह बिल पारित हो चुका है, अब कांग्रेस और अन्य पार्टी जो राज्यसभा में इसको नहीं पारित हुई होने दी, उनको बताना चाहिए कि आखिर वो महिलाओं के साथ हैं कि नहीं है, उनके मान सम्मान के साथ हैं कि नहीं है, ये उनको बताना है। हमारा स्पष्ट नीति है कि 3 तलाक बिल पास हो और कड़ी से कड़ी इसमें प्रावधान है सजा की, और मुस्लिमों के महिलाएं जो हैं उनका मान सम्मान और को ध्यान रखा जाए। अंतिम सवाल, क्या मथुरा से अगले लोकसभा प्रत्याशी अरुण सिंह जी? नहीं, ऐसा नहीं है।